तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त ए से हेल्पर, और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पज़ल। तो यार, इस पज़ल में हमें ये कहा गया है कि 10 किड्स हैं, यानी 10 बच्चे हैं, ठीक है। उन सबका नाम क्या है? ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, ठीक है। उनके पास कुछ कैंडीज़ हैं, ठीक है, उनके पास कुछ कैंडीज़ हैं, एंड उन्होंने डिसाइड किया कि इन कैंडीज़ को हम लोग इक्वली बांट लेंगे सब में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो कैंडीज़ थी उन्हें 10 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है, क्योंकि 10 किट्स थे तो 10 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। लेकिन उन्होंने देखा कि जो लास्ट किट था, यानी किट जे, उसको एक कैंडी कम मिली, ठीक है, बाकी किट्स के मुकाबले। तो उन्होंने क्या किया, जो बाकी के 9 किट्स थे ना, जिनको इक्वली, जिनमें डिवाइड हो गई थी कैंडीज, उन्होंने धोखा दे दिया जे को। लेकिन फिर उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे कैंडीज को 9 पार्ट्स में। लेकिन इस बार उन्होंने जो किट आई था उसे धोखा दे दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम लोग जो 8 किट्स हैं, उन्होंने धोखा दे दिया था ना आई को, अब उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि हम लोग फिर से कैंडीज को जो है ना डिवाइड करेंगे 8 किट्स में। तो उन्होंने फिर ये जो बचे हुए 8 किट्स थे, इन्होंने आपस में कैंडीज को इक्वली डिवाइड करने की कोशिश की, और फिर देखा फिर से एच के पास जो है एक कैंडी कम रहेगी। तो ऐसे करते करते पूरा प्रोसेस चलता रहा यार, और जो लास्ट में किट बचा था यानी ए, वो सारी की सारी कैंडीज लेकर भाग गया। तो अब तुम्हें ये बताना है कि इनिशियली कितनी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज थी। तो मैं चाहूंगा जरा वीडियो को पॉज करें, 1 मिनट के लिए सोचें कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपने इसका सही जवाब सोच लिया होगा। तो अब मैं बताता हूँ यार आपको इसका सही जवाब क्या है। तो यार, जैसे कि इसमें पहले कह दिया गया था कि 10 किट्स थे, और जब 10 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की, तो जो लास्ट किट था उसके पास सिर्फ एक कैंडी कम रह गई थी, ठीक है। तो जब उसके पास सिर्फ एक कैंडी कम रह गई थी, तो इसका मतलब हमें सिर्फ एक कैंडी की जरूरत थी, और सब में इक्वली कैंडीज डिवाइड हो जाती। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एन कैंडीज हैं, ठीक है, और मुझे एक कैंडी एक्स्ट्रा चाहिए थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एन कैंडीज थी तो मुझे सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैंडी चाहिए थी। तो मैंने बोल दिया N+1 जो है वो कैंडीज होंगी, ठीक है। तो N+1 कैंडीज होंगी, तो मतलब इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स है, सब में इक्वली डिवाइड होंगी, यानी N+1 कैंडीज जो हैं वो 10 से डिवाइड होंगी, ठीक बात है। ऐसी अगर 9 किट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हैं यानी N+1, वो 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ऐसी अगर 8 किट्स हैं, तो 8 किट्स में भी इक्वली डिवाइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी N+1 है वो 10 से लेके 1 तक सबसे डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे यार, हम लोग 1 से लेके 10 तक का एलसीएम निकाल लेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यार एलसीएम क्या होगा, 1 to 10 का एलसीएम होगा 2520, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज होगी 2520। लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक वन को एक कैंडी एक्स्ट्रा ऐड की थी, ताकि हम सारे सारे स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर सकें सारी कैंडीज को। तो हमें 1 कैंडी को माइनस करना होगा 2520 में से। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2519, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज थी 2519। तो यार इस पजल में इतना ही। मैं आपका दोस्त ए से हेल्पर, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।